इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ चार्ज ऑन मनी ट्रांसफर फ्रॉम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। तो सबसे पहले हम जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले पॉइंट नंबर वन जो है, अगर आप मनी ट्रांसफर करते हैं आप किसी भी व्यक्ति को, अगर उसका अकाउंट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है, तो यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं लगेगा, नहीं आपको सेविंग अकाउंट में लगेगा, नहीं करेंट अकाउंट में लगेगा। और ये मोबाइल बैंकिंग से अगर आप करेंगे पैसा ट्रांसफर तो इसमें भी आपको नहीं लगेगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूं, जैसे एक्सेस पॉइंट यहां पे आप देख सकते हैं ये वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अब अगर आप ब्राउज जाएंगे तो यहां पे अगर पैसा लेन देन करेंगे तो ये एक्सेस पॉइंट हो गया। उसके बाद डोर स्टेप का ये मतलब है, जैसे कि रिक्वेस्ट देना पड़ता है इतना डेट को इतना हम पैसा निकालेंगे और आपके घर पे जो है डाकिया आके पैसा आपका निकालता है, वो हो गया डोर स्टेप। इसमें दोनों अकाउंट आता है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, इसमें दोनों अकाउंट आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप IMPS से पैसा ट्रांसफर करते हैं, यानी कि इमिडिएटली यहाँ पे पैसा ट्रांसफर किया जाता है इस सर्विस की मदद से, तो यहाँ पे अगर आप एक्सेस पॉइंट पे अगर आप 2000 रुपया पैसा किसी को ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे आपको 10 रुपया चार्ज लगेगा और सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में दोनों में लगेगा। वहीं आप डोर स्टेप पे अगर आप पैसा ट्रांसफर करवाते हैं तो यहाँ पे ट्रांसफर करने का जो भी चार्ज होगा वो आपसे लिया जाएगा, यानी कि 10 रुपया 2000 का। वहीं मैं आपको बता दूं, अगर आप मोबाइल बैंकिंग से खुद से अपने से पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वहीं पे आप जो है अगर आप 2000 रुपया यहाँ पे पैसा ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे आपको 5 रुपया सेविंग अकाउंट, उसके बाद 5 रुपया करेंट अकाउंट में आपका पैसा चार्ज आपको देना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे मनी ट्रांसफर करेंगे तो। सेविंग अकाउंट के लिए सेम है, करेंट अकाउंट के लिए भी सेम चार्ज है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 2001 रुपये से लेके 5000 तक अगर आप पैसा ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे आपको लग जाएगा 20 रुपया। ये एक्सेस पॉइंट का है, डोर स्टॉप का है, तो इसका पहले भी मैं आपको मतलब बता चुका हूँ, ये 20 रुपया आपको लग जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं मोबाइल बैंकिंग से आप करते हैं अपने से तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट में सेम है और करंट अकाउंट में सेम है, 5 रुपया आपको चार्ज यहाँ पे देना पड़ सकता है अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो इतना मनी के अंदर। उसके बाद अगर आप इससे ऊपर करते हैं एग्जैक्ट आप 5000 करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है एक्सेस पॉइंट पे डोर स्टॉप पे आपको 50 रुपया यहाँ पे देना पड़ेगा। वहीं अगर आप अपने से मोबाइल बैंकिंग से करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 रुपया यहाँ पे देना पड़ेगा सेविंग अकाउंट प्लस अगर आपका करंट अकाउंट है तो अपने से अगर आप पैसा ट्रांसफर करें आपको 10 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम बात कर ले तो NEFT का यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे NEFT है। तो अगर आप नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसमें अगर आप 10000 रुपया पैसा ट्रांसफर करते हैं इसमें 2.25 रुपया यहाँ पे एक्सेस पॉइंट या डोर स्टॉप पे आपको लिया जाएगा चार्ज 10000 का। उसके बाद अगर आप मोबाइल बैंकिंग से आप करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे फ्री है, यानी कि फ्री है, बशर्ते आपको सेविंग अकाउंट का यहाँ पे आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे किस चीज का मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेविंग अकाउंट का आपको यहाँ पे पैसा कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। वहीं पे अगर हम बात कर ले करंट अकाउंट का तो यहाँ पे देखिए चार्ज यहाँ पे लिया जाता है करंट अकाउंट का, तो इसमें आपको चार्ज कोई भी नहीं देना पड़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 10001 रुपया से लेके अगर 1 लाख आप मनी ट्रांसफर डोर स्टॉप या एक्सेस पॉइंट पे अगर आप करते हैं तो वहीं पे 4.75 रुपया आपको लिया जाएगा चार्ज, और करंट प्लस सेविंग अकाउंट में दोनों सेम ही चार्ज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नहीं लिया जाएगा जो कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये सेविंग अकाउंट का मैं बता रहा हूँ, अगर आपका मोबाइल बैंकिंग सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे आपका चार्ज नहीं लगेगा। वहीं पे अगर आपका करंट अकाउंट है तो यहाँ पे आपको जो है चार्ज देना पड़ेगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4.75 रुपया है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है 1 लाख से 2 लाख अगर मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं NEFT से तो वहीं पे आपको एक्सेस पॉइंट डोर स्टेप पे आपको लग जाएगा आप 14.75 रुपया आपको INR में आपको लग जाएगा चार्ज। तो मैं आपको दोनों का बता दिया, सेविंग प्लस करंट अकाउंट का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं पे अगर मैं आपको बताऊं तो मोबाइल बैंकिंग से अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर 1 लाख या 2 लाख भी आप करते हैं, अगर आपका सेविंग अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है तो आपको एक भी चार्ज यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। देखिए कितना फायदा है, करवाने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा अगर आप 1 लाख यहाँ पे 1 लाख से 2 लाख अगर आप मनी ट्रांसफर करते हैं। तो वही मैं आपको बता दूं,
अगर आपका मोबाइल बैंकिंग है, अगर करेंट अकाउंट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको कितना चार्ज लगेगा, 9.75 रुपया यहाँ पे आपको चार्ज यहाँ पे देना पड़ सकता है। तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आप 2 लाख मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं एक्सेस पॉइंट डोर स्टेप पे, तो यहाँ पे देखिए आपको करंट प्लस सेविंग अकाउंट में जो है आपको 24.75 रुपया यहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ेगा। वहीं पे मैं आपको बता दूं, अगर आप मोबाइल बैंकिंग से पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं यहाँ पे आपको 1 रुपया चार्ज नहीं देना पड़ेगा अगर आप 2 लाख रुपया ट्रांसफर करते हैं, तो अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो वहीं पे मैं आपको बता दूं, अगर आप करंट अकाउंट यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हालांकि आपका जो एक्सेस पॉइंट टू डोर स्टेप से चार्ज कम है 19.75 रुपया है, जो कि इसमें 24.75 रुपया है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, इसमें आपको चार्ज लगेगा करंट अकाउंट। उसके बाद इस पेज को ऊपर कर लेते, अगर आप आरटीजीएस से मनी ट्रांसफर करते हैं या एक्सेस पॉइंट हो गया या डोर स्टेप हो गया तो करंट प्लस सेविंग अकाउंट में, तो आप यहां पे देख सकते हैं 24.50 रुपया आपको चार्ज लगेंगे 2 लाख से 5 लाख के बीच में अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट अकाउंट में भी सेम है, ये मैं आपको बता रहा हूँ एक्सेस पॉइंट एंड डोर स्टेप का। वहीं पे अगर आप फोन बैंकिंग यानी कि मोबाइल बैंकिंग से करते हैं मनी ट्रांसफर, यहाँ पे 24.50 रुपया आपको लिया जाएगा, सेविंग अकाउंट में भी लिया जाएगा और यहाँ पे करंट अकाउंट अगर आपका है तो उसमें भी आपको यहाँ पे लिया जाएगा चार्ज। तो यहाँ पे अगर आप 5 लाख रुपया ट्रांसफर करना चाहते हैं, मैं ये आपको बता रहा हूँ डोर स्टेप एंड एक्सेस पॉइंट का, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस है, 49.49 रुपये 50 पैसा यहाँ पे आपको चार्ज लगेगा सेविंग प्लस करंट अकाउंट का। तो अगर कराते हैं मनी ट्रांसफर तो वो देंगे तो उतना ही लगेंगे पैसा ट्रांसफर करने में, 49.50 रुपये 50 पैसे, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात कर ले यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग में, तो यहाँ पे करंट प्लस सेविंग अकाउंट में आपको जो है देना पड़ेगा आरटीजीएस में सेम चार्ज है 49.50 रुपये, यहाँ पे भी 49.50 रुपया आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, आरटीजीएस जो है अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मोबाइल बैंकिंग में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर आता है तो मैं आपको जरूर इसका इन्फॉर्मेशन दूंगा यानी कि सूचना दूंगा वीडियो बना के एक अच्छे से। तो अभी फिलहाल आप जो है इन दो तरीकों से जो आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, एक हो गया आईएमपीएस से, एक हो गया एनईएफटी से, और अभी जो जस्ट एक दो दिन में लॉन्च हुआ है यूपीआई, तो यहां पे आप यूपीआई से भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको जो है नीचे इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और उसके बाद आप एनईएफटी से मनी ट्रांसफर करते हैं तो 24/7 जो है मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसमें किसी भी समय आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है एनईएफटी में जो है कुछ समय लगता है, कुछ वक्त लगता है आपको इमीडिएटली कि पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, आपके अकाउंट से कट जाएगा लेकिन उसको जो है 1 घंटे 2 घंटे में रिसीव होगा। वहीं पे आरटीजीएस का अगर आप इस्तेमाल करते हैं मनी ट्रांसफर करने में, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद आईएमपीएस से हो गया, आप किसी भी समय आप कर सकते हैं, इसमें जो कोई भी घंटा उंटा नहीं लगता है, आप 2 घंटे के बाद आपका मनी ट्रांसफर होगा, इसमें इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर होता है 24/7। उसके बाद यूपीआई का अगर हम बात कर ले, यूपीआई का फ्री है, मैं आपको पहले भी बता चुका यहाँ पे यूपीआई से अगर आप जो करना चाहते हैं 24/7 आप किसी समय आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं।